Hello students, good morning to all. In the previous video we started topic natural vegetation and wildlife. हमने वहाँ पे उनकी meaning and उनका distribution पढ़ा और हमने क्या समझा that कि हम बहुत ज़्यादा हमारे जो life है और हमारे जो wildlife है वो forest पे और हमारे natural vegetation पे dependent है और अगर हमारा ecosystem और हमारा biosphere अच्छा है तो ही नेचुरल वेजिटेशन और हमारी वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. ओके और हमने ये भी पढ़ा दैट कि कैसे प्लांट्स और ट्रीज हमें सेवरल थिंग्स प्रोवाइड करते हैं और हमारे डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ को इजी करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे स्टडीज़ के लिए हमें पेपर प्रोवाइड करते हैं और उन सबको कंजर्व करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. बट कंजर्व करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हाउ वी कैन कंजर्व दिस नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ओके हाउ एंड व्हाट आर द मेथड्स दैट वी कैन कंजर्व दीज वाइल्ड लाइफ. ओके तो ये हम आज पढ़ेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ओके फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, एज यू ऑल नो दैट फॉरेस्ट हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारी वेल्थ है. Plants give shelter to the animals and together they maintain the ecosystem. Plants और trees, forest हमारे animals को shelter देते हैं, घर provide करते हैं और उनका directly और indirectly कुछ animals का food भी है ना. तो ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, हमारे ecosystem को balance करते हैं, हमारे ecosystem को maintain करके रखा हुआ है. Changes of climate and human interference can cause the loss of natural habitat for the plant and animals. That means हमारे जो climate है और हमारे जो human की activities है, इन दोनों ने मिलकर के हमारे plants और animals के habitat को ख़राब करके रखा हुआ है और उनका नुकसान कर रहे हैं. हमारे trees को cut करके wildlife का शेल्टर और उनकी मेंटेनेंस हमारे इकोसिस्टम को भी खराब कर रहे हैं. ओके मैनी स्पीसीज हैव बिकम वल्नरेबल और इनडेंजर्ड आज सम ऑन द वेरी ऑफ एक्सटेंशन. ठीक है और हमारे कुछ स्पीशीज बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं और कुछ काफ़ी इनडेंज होते जा रहे हैं. ओके डिफॉरेस्ट्रेशन सॉइल इरोशन soil erosion, constructional activities, forest fires, tsunami and landslide are the sum of human. मतलब human क्या क्या कर रहा है, human की activities क्या है, क्या कारण है, कौन कौन से reasons हैं जिनके कारण हम ये कह रहे हैं कि human की activities ने भी natural vegetation को और wildlife को खराब किया हुआ है उस, है ना. तो ये जो deforestation है मतलब trees को काट, सॉइल इरोशन सॉइल को ख़राब करना, इंडस्ट्रियल सेटअप्स करना, वाटर को पोल्यूट करना, ये सारी हमारे ह्यूमंस की ही एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण सुनामीज एंड लैंडस्लाइड्स भी आती हैं और इनके कारण ही नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के कारण ही. एंड नेचुरल फैक्टर्स विच एसिलेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज. और कुछ ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं लाइक सुनामी, है ना, नेचुरल क्लाइमिटीज, नेचुरल डिजास्टर्स, जिनके कारण भी हम इन रिसोर्सेज का एक्सटेंशन हो रहा है, ये नेचुरल रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज. और कुछ कुछ का तो ऐसा रीज़न हो रहा है कि कुछ कुछ स्पीशीज तो हमारे ख़त्म ही हो रहे हैं, उनके ऊपर तो ऐसा रिजल्ट आ रहा है कि वो आप बच ही नहीं रहे. द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द कलेक्शन इन इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड स्किन नेल टीथ. और एनिमल्स को किसके किसके लिए यूज़ किया जाता है, एनिमल्स की रियरिंग होती है, ठीक है, एनिमल हंटिंग होती है. ओके इन सब के कारण क्या क्या होता है, ये इन सब के साथ वो लोग एनिमल्स को यूज़ करके अपने ट्रेड को ट्रेड करते हैं जिसे हम इलीगल ट्रेड भी कह सकते हैं. ओके क्यों, उनकी स्किन्स को निकाला जाता है, उनके नेल्स का, उनके टीथ का यूज़ किया जाता है, है ना, और उनके फेदर्स का यूज़ किया जाता है. तो ये सब क्या है, ये सब इलीगल ट्रेड है बिकॉज वो एनिमल्स को
एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हैं, एनिमल रियरिंग कर रहे हैं और उसके बाद वो ये सब कर रहे हैं. सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, रेनोक्रोस, स्नो लैपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. दीज कैन बी कंजर्व बाई इंक्रीजिंग अवेयरनेस. इन सबको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? ये सब खत्म हो सकते हैं, बट हम इन सबको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इनकी वाइल्ड लाइफ को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे अगर हम कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर दें और कुछ अवेयरनेस बढ़ाएं, है ना. हम अगर अवेयरनेस बढ़ाएं रिगार्डिंग, लाइक जैसे हमने सॉइल और वाटर के लिए अवेयरनेस, वाटर के लिए कितने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए हैं, ओके, फॉरेस्ट के लिए कितने सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, उसी तरह अगर हम वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स कराएं और उनकी अवेयरनेस बढ़ाएं पॉपुलेशन में, तो हम इन्हें, इन वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व कर सकते हैं, इन एनिमल्स को भी कंजर्व कर सकते हैं. ओके, उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 21 पे. नेचुरल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. कौन कौन से मेथड्स हैं, क्या क्या मेथड्स हैं कि हम इन वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं और हम कैसे इन एनिमल्स को कंजर्व करके रख सकते हैं? तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लाइक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारे हमें बनाने चाहिए. दीज ऑल आर मेड फॉर प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये सब हमें बनाने चाहिए सो दैट वी कैन कंजर्व अवर वाइल्ड लाइफ. ओके, कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेट लैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन. और डिप्लीशन मतलब नष्ट होना, खत्म होना. हमें कुछ लेक्स को, रिवर्स को, हमारी जो लैंड्स हैं इन सबको भी कंजर्व करना चाहिए. ओके, नेचुरल पार्क्स बनाने चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए सो दैट वी कैन कंजर्व इट. ओके, देयर इज अ बैलेंस इन द एनवायरमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड. अगर हमारा जो ये इकोसिस्टम का, मैंने आप लोगों को बताया था कि इकोसिस्टम को मेंटेन कौन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मिल करके हमारे इकोसिस्टम को का बैलेंस मेंटेन करे हुए हैं. ओके, तो अगर हमने इन एनिमल्स और इन फॉरेस्ट के साथ ही छेड़खानी नहीं की होती तो आज हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंसमेंट नहीं हुआ होता. ओके, हमारा एनवायरमेंट खराब नहीं हुआ होता, मेंटेन रहता. ह्यूमन एक्टिविटीज इन सर्वाइवल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पीशीज. और हमारे वर्ल्ड के कुछ ह्यूमन की ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण हमने, हमारा जो नेचुरल हैबिटेट्स है उनको ख़राब किया हुआ है काफ़ी सारे स्पीसीज का. ड्यू टू इन डिस्क्रिमिनेटिंग किलिंग्स, बेवजह लोगों एनिमल्स की जान लेना. ओके, कुछ बर्ड्स की, कुछ एनिमल्स की, उनकी जान लेना, उनको अपने ट्रेड का पार्ट बनाना, उनकी स्किन लेना, उनके टीथ लेना, उनकी हंटिंग करना, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है. ह्यूमन ने ही अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इलीगल ट्रेड करने के लिए, ये इनकी जाने ली है. ओके, अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, ओके, एंड वन महोत्सव शुड बी इंकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. मतलब जिस तरह से फॉरेस्ट को बचाने के लिए वन महोत्सव वगैरह लाइक प्रोग्राम्स बनाए गए थे, है ना, उसी तरह वाइल्ड लाइफ को भी बचाने के लिए हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाने चाहिए. स्कूल में चिल्ड्रंस को इंकरेज करना चाहिए. ओके, उनको नेचर दिखाना चाहिए, उनके लिए नेचर कैंप्स लगाने चाहिए सो दैट वो उस नेचर की वैल्यू समझे. एग्जीबिशंस लगाने चाहिए, जैसे मैंने आपको टॉपिक के स्टार्ट में ही बता दिया कि उन स्कूल के बच्चों ने प्लांट्स की और एनिमल्स की वैल्यू कैसे समझी, एक एग्जीबिशन से समझी. तो उसी तरह से हमें स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहिए, उनको इंकरेज करना चाहिए टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ. ओके, एंड मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. उसके बाद हमारी वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने कुछ लॉ पास किए थे अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स और एनिमल्स को मार करके जो उनके लिए ट्रेड्स होते हैं, उनके बदले पे ट्रेड होता है, बिजनेस होता है,
उनके अगेंस्ट भी उन्होंने कुछ लॉ बनाए हुए थे. इन इंडिया किलिंग लायंस टाइगर्स डियर्स ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स इज इलीगल. और उसी तरह हमारे इंडिया में लायन टाइगर्स डियर्स और पिकॉक्स इन सबको मारना इलीगल कहलाता है. इसीलिए हम इन लेकिन उसके बाद भी इनकी हंटिंग होती है. ओके उसके बाद भी इनकी इनकी हंटिंग होती है फॉर द ट्रेड पर्पसेस. इसलिए ही हम उन ट्रेड पर्पसेस को इलीगल ट्रेड कह रहे हैं बिकॉज हमारे इंडिया में ये सब इनको मारना इनकी जान लेना बर्ड्स और एनिमल्स को हम इलीगल है. ओके एंड इंटरनेशनल कंजर्वेशन CITES has been established. ओके हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से CITES इस्टेब्लिश किया गया था. ओके दैट लिस्ट ऑफ ऑल स्पेसिस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज प्रोहिबिटेड. उस जिसमें हमने क्या इस्टेब्लिश किया था दैट हमारे कुछ ऐसे स्पीशीज हैं ऐसे बर्ड्स और ऐसे एनिमल्स हैं जिनको ट्रेड का पार्ट बनाना बंद कर देना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. और ये क्या बताया गया था वहाँ पे दैट कि हमारे प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करना हम ह्यूमन बींग्स की और हम सिटीजन्स की फर्स्ट ड्यूटी है. ओके और हमें उन्हें कंजर्व करके रखना है. ओके तो यहाँ पे क्या पढ़ लिया हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. किस तरह से हम अपने वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व कर सकते हैं क्या क्या मेथड्स हैं और क्या लॉ पास्ड होते हैं क्या क्या प्रोग्राम्स अवेयरनेस प्रोग्राम हमें करने चाहिए. ओके उसके बाद अभी यहाँ पे एक टर्म आया था दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशन दैट इज CITES. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CITES स्टूडेंट्स हियर पेज नंबर 21 में नीचे एक बॉक्स में लिखा हुआ है द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. ठीक है ये इसका फुल फॉर्म है CITES का. ओके थैंक यू स्टूडेंट्स.